अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, दिस इज़ लेसन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट वे टू गो एनीवेयर। हवा में ट्रैवलिंग करना इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाने में सबसे तेज तरीन जरिया है। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर द सी एंड हाई माउंटेन्स। एरोप्लेन्स समुंदर के ऊपर और माउंटेन्स पर बहुत तेज़ी के साथ उड़ सकता है। दे कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ये बहुत कम वक्त में बहुत सौ लोग जो हैं एक वक्त में दूसरी जगह और कम वक्त में सफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह लोगों को मूव कर सकता है। फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस बाई एयर, बहुत अगर आपने हवा में थोड़े कम फासले के ऊपर सफ़र करना है, द हेलीकॉप्टर इज़ मोस्ट यूज़फुल। दिस इज़ हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर इस काम के लिए बहुत मुफीद है। हेलीकॉप्टर्स कैन लैंड ऑलमोस्ट एनी वेयर है। हेलीकॉप्टर जो है वो तकरीबन हर जगह पर लैंड पर जो है वो स्टे कर सकता है। इवन ऑन योर स्कूल प्लेइंग फील्ड, यानी कि जैसे आपके स्कूल का फील्ड जो है, प्लेइंग फील्ड जो है, क्योंकि वो खुला मैदान होता है, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर आराम से लैंड कर सकता है। व्हीकल्स दैट ट्रैवल अलॉन्ग द ग्राउंड हैव व्हील्स। जो व्हीकल्स ज़मीन पर चलते हैं उनको चलने के लिए व्हील्स की ज़रूरत होती है। ट्रेन्स हैव व्हील्स टू। ट्रेन्स के भी व्हील्स होते हैं, बट दे मूव अलॉन्ग ऑन ट्रैक्स और रेल्स। लेकिन वो एक ट्रैक पर मूव करती है अपने, और जो एक रेल गाड़ी होती है उसे चलने के लिए एक ट्रैक की ज़रूरत होती है और उसके व्हील्स जो हैं वो ट्रैक पर मूव करते हैं। रेलवे कैरेजेस आर पुल्ड बाय पावरफुल इंजन। रेलवे कैरेजेस यानी कि जो एक ट्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये उसके जो अलग अलग से आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं उसके कैरेजेस हैं, और इसको खींचने के लिए एक बहुत पावरफुल इंजन लगा होता है। इसकी मदद से ये सारे जो है इस ट्रेन को खींचा जाता है। द पावर फॉर दीज इंजन्स कम फ्रॉम डीजल, कोल और इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो पावर इसको ट्रेन को मिलती है वो कैसे मिलती है? डीजल, कोल और इलेक्ट्रिसिटी से। हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन? क्या कभी आप लोगों ने भी ट्रेन का सफ़र किया है? इन पाकिस्तान वी हैव अ रेलवे नेटवर्क दैट लिंक्स ऑल मेजर टाउन्स एंड सिटीज़। पाकिस्तान का जो रेलवे नेटवर्क है वो तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। There is also a good network of roads and highways. हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा roads का और highways का भी network है। Many people travel by car and many more use the bus services. इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी कार का या buses का भी इस्तेमाल करते हैं इन roads के ऊपर travel करने के लिए। People who travel a long way sometimes have to cross the sea, a river or a lake. अक्सर औकात लोगों को सफ़र के दौरान सफ़र करते वक्त समुंदर, रिवर और लेक्स वगैरह को भी क्रॉस करना पड़ता है। दे कैन ट्रैवल बाय बोट और एरोप्लेन, तो इसकी वजह से वो बोट का या एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बोट्स। हमारे यहाँ बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स हैं बोट्स की। अ फेरी फॉर एग्ज़ाम्पल कैरीज पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन बैंक ऑफ अ रिवर टू द ऑपोजिट बैंक। जैसे कि एक फेरी है, फेरी को कैरी करती है, सामान भी कैरी करती है और अपने साथ लोग भी कैरी करती है, और उनको दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पर ड्रॉप भी कर देती है। शिप्स आर यूज्ड टू कैरी लार्ज लोड्स ऑफ गुड्स एंड ग्रेन, वुड, मशीनरी, ईटीसी। शिप्स क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो इसीलिए वो बहुत बड़े बड़े लोड सामान होते हैं उनको कैरी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शिप्स दैट कैरी ऑयल आर कॉल्ड टैंकर्स। और वो शिप्स जो ऑयल कैरी करती हैं उनको टैंकर्स कहते हैं। दे आर यूज शिप्स विच कैरी थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल। ये बहुत बड़े शिप्स होते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स जो है ऑयल कैरी करते हैं। गुड्स दैट आर पैक्ड इन कंटेनर्स आर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर शिप। और जो कंटेनर शिप्स होते हैं उनमें बहुत बड़े बड़े सामान जो होते हैं वो कंटेनर में वो पैक किए जाते हैं और कंटेनर शिप के थ्रू जो है वो कैरी किए जाते हैं। बोट्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्पोर्ट एंड एडवेंचर। और जो बोट्स होती हैं वो स्पोर्ट और एडवेंचर के लिए यूज़ की जाती हैं। आ स्पीड बोट मूव्स वेरी फास्ट ओवर द वाटर। स्पीड बोट पानी के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ मूव करती है। फिशरमैन ऑल्सो यूज़ बोट्स टू गो फिशिंग इन द लेक्स, रिवर्स और द सी। और फिशरमैन भी बोट्स को यूज़ करते हैं फिशिंग के लिए, लेक्स में यूज़ करते हैं, रिवर्स में और सीज़ में।
ships have huge engines. ships के बहुत बड़े इंजन होते हैं. can you see in the picture some boats that have no engines? क्या इन ये जो आपको ये पिक्चर्स नज़र आ रही हैं कुछ बोट्स की, इनमें से आप बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी बोट्स हैं जिनमें इंजन यूज़ नहीं हुआ? हाउ डू दे मूव, और ये कैसे मूव करती हैं?